Reports coming in that six people are feared dead after the new Farakka Express derails in Raebareli. NDRF team and railway officials rushed in from Lucknow and Varanasi to take a stock of the situation. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath has also taken cognizance of this derailment and he has asked NDRF to provide all possible relief. Seedhe chalte hain hamare Lucknow bureau chief Amir Haq ke paas. Amir, is ट्रेन डीरेलमेंट के बारे में और क्या डिटेल्स आई हैं? अभी तक किस समय की घटना है, कितने लोगों के जख्मी या मारे जाने की अभी तक खबर है? प्रीति, देखिए, सुबह 6:30 बजे के आसपास हुआ हादसा बताया जा रहा है और अब नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से पता लग रहा है कि 6 से 7 बोगियां जिनमें की इंजन भी शामिल है, यानी फ्रंट एंड से जो रेलगाड़ी है वो डीरेल हुई है और रायबरेली का हरचंदपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही थी गाड़ी, बल्कि एंटर करने जा रही थी और ये रन थ्रू रेलवे स्टेशन था, यानी इस रेलवे स्टेशन से रुकना नहीं था न्यू फरक्का इस गाड़ी को और सीधे रायबरेली जाकर रुकना था, लेकिन अचानक जो है उस लाइन में कोई खराबी आ जाने से अभी प्रथम दृष्टया यही कारण बताया जा रहा है। हालांकि डीआरएम और रेलवे की टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं, उसके बाद ज्यादा साफ हो पाएगा कि असल कारण क्या था डीरेलमेंट का, लेकिन रेलवे स्टेशन एंटर होने के वक्त ही जो है 6 से 7 बोगियां रेलवे इंजन के साथ में डीरेल हो गई और 6 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हुई हो सकती है इस पूरे मामले में, काफी लोग इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। लेकिन डीजीपी का कहना है, डीजीपी यूपी पुलिस का कहना है कि डायल 100 की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और लोगों को वहां से जो इंजर्ड थे उनको भी निकाला गया और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया और इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ख्याल इस चीज का रखा जाए कि इमरजेंसी सेवाओं की, चिकित्सा सेवाओं की जिनको आवश्यकता हो, ऐसे इंजर्ड पेशेंट्स को जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 मिनट तक कम से कम 2 एनडीआरएफ टीम्स, जिनमें से एक वाराणसी और दूसरी लखनऊ से रवाना हुई है, रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल्स के साथ मौके पर पहुंच जाएगी और तब शायद जो एक्सीडेंट किस तरह का हुआ है और कितनी क्षति हुई है ये पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। चलिए, जब ये सब डिटेल सामने आ जाएंगी एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। आमिर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।